Subscribe and press the bell icon for latest update. दिल्ली में केजरीवाल सरकार के 3 साल पूरे होने पर दिल्ली भाजपा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने एक प्रेस वार्ता की जिसमें उन्होंने क्या कहा, सुनिए। दोस्तों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट शासन के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। चूंकि भ्रष्टाचार प्रूफ हो चुका है, पब्लिक डोमेन में साक्ष्य आ चुके हैं इनके भ्रष्टाचार के, इनके व्यभिचार के, इनके भेदभाव के, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बात में विश्वास करती है कि ऐसी सरकार को अब एक भी दिन दिल्ली की सत्ता में नहीं रहना चाहिए। और इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता को भी पता चले, इसलिए अगले एक हफ्ते हम लोग जन आंदोलन के रूप में सड़कों पे निकल रहे हैं। एक दिन महापंचायत किसानों का एक तरफ, एक दिन विधायकों का घेराव, एक दिन मुख्यमंत्री का घेराव, एक दिन सड़क पर मेट्रो कॉलेज और ये हर जगह ये कहते हुए कि 3 साल में 30 साल पीछे गई उन लोगों के साथ, एक दिन दिल्ली अगेंस्ट करप्शन जिसमें राजघाट से दिल्ली सचिवालय तक का मार्च होगा, एक दिन अभिभावकों द्वारा प्रदर्शन शिक्षा के क्षेत्र में जो दुर्गति हुई है दिल्ली की, एक दिन बिजली पानी के मुद्दे पे हम लोग रखेंगे पूरे दिन का अपना आंदोलन, और एक दिन अनधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करने संबंधित जो इनकी अब तक की कोई कोशिश नहीं रही है उस पे हम सड़कों पे जन आंदोलन करेंगे। और अभी जैसा आपको पता भी होगा कि ये अभी पानी भी बंद करने वाले हैं, कहते हैं पानी अशुद्ध हो रहा है, तो जब आप 3 साल में पानी शुद्ध नहीं कर सके, लोगों को पानी जगह जगह दे नहीं सके, गाड़ियों के लिए ट्रैफिक की व्यवस्था ठीक नहीं कर सके, तो जब हर जगह में कुछ नहीं कर सके, शिक्षा में कुछ नहीं कर सके, तो केवल भ्रष्टाचारी बनकर के अगर आप बचना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी जन आंदोलन खड़ा करके आपको रोकेगी। भाजपा का कहना है कि केजरीवाल सरकार की प्रशासनिक असफलता के चलते 3 साल में दिल्ली 30 साल पीछे चली गई है, इससे दिल्ली का विकास पूरी तरह से ठप हो गया है। अब देखना यह है कि इस मामले में आम आदमी पार्टी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।